घर के अंदर कितना पानी, और ये फ्रैंक को गोदी में लेके बैठे हुए, और ये दरवाजे खोलूंगा तो पानी देख लो ये भाई। हमारे सौरभ ब्लॉगर ये पानी पानी निकाल भाई, ये रात के 12:30 बजे का सीन ऐसा ही कुछ हो रहा था। अभी देखो पूरे में पानी पानी, नीचे पानी पानी। देख आप लोग देख सकते हो पूरी गाड़ी के सलेंसर तक पानी पानी, और कुर्सी पूरी डूब चुकी है। और पूरे में देखो गाड़ी के, देखते हैं इंजन गाड़ी स्टार्ट होएगी कि नहीं होएगी सुबह। भाई यार बज रहे रात के 12:30, और बाहर का सीन दिखाता हूँ मैं अभी क्या है आपको। इस टाइम पूरे में पानी पानी आ गया है, घर के अंदर भी और बाहर भी। और चलो दिखाता हूँ मैं बाहर का सीन क्या हो रहा है अभी। है ओ भाई रात का सीन, पूरे में पानी पानी उधर तक, और ये घर के अंदर तक पूरा पानी 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 आ गया। रोड का सीन देख लो, ये है रोड का सीन रात का। और मैं घर के अंदर का दिखा देता हूँ, घर के अंदर का क्या सीन है अभी। ये सिचुएशन इस प्रकार, घर की सारी गाड़ियाँ डूब चुकी, घर के अंदर तक को पानी दिख रहा हो खिड़की से अंदर। अभी भी बारिश पड़ रही है लगातार। भाई ये गलत सीन हो गया यार, 1:05 हो गए रात को, लोगों का सामान बह के जा रहा है, लाइट भी चली गई, आपको दिख नहीं रहा होगा। घर के अंदर कितना पानी, और ये फ्रैंक को गोदी में लेके बैठे हुए, और ये दरवाजे खोलूंगा तो पानी पानी जाएगा। तो यहाँ पे अभी बाहर ही खड़ा हूँ मैं, पूरी बाउंड्री वगैरह सब गिर गई बाहर की। फ्रैंक सो रहा होगा या तो नींद में होगा, पानी किस कैसे पता चला जी। और ज्यादा भर रखा आगे से जा रहा। ट्रैक्टर देखो कैसे ले जा रहे भाई, ये क्या रखो रात को 12:30 बज रहे भाई। भाई रात को क्या सीन हो गया यार ये। भाई लो ये देख लो पानी, ये पानी नीचे, ये ऊपर फ्रैंक, ये ऊपर फ्रैंक, ये नीचे पानी, पूरे कमरे में पानी, बाहर तक पानी पानी, सब जगह पानी पानी। और टाइम 2 बजने वाले हैं। ये देखो फ्रैंक को, भाई रात के बज रहे हैं 2, और बहुत पानी पानी हो गया घर में, और सारे लोग जगे पड़े हैं इस टाइम पे, और ये रोड पे भी सब लोग घूम रहे हैं। 2 बज के 2, डेढ़ नहीं 2 बज गए, तो 2 ही बज रहे हैं। भाई सबका घर के पीछे का सामान वगैरह भी बह गया, चप्पल वगैरह सब बह गई, टंकी भी बह गई पीछे की। ये देखो भाई लोग, और ये अपने नंदी महाराज जी भी परेशान हो रहे हैं पर पानी में रात को, और उधर भी सारी गायें खड़ी हैं गौ माता अपनी। अब देखो पानी का लेवल कम हुआ थोड़ा, वरना इसके ऊपर भी था पानी। सारे लोग जगह पड़े हैं इस टाइम, पानी का लेवल भी कम हो रहा है। ये गंदा पानी, घर में पानी, क्या ही करेगा ये बताओ। ये रहा फ्रैंक, ये नीचे पानी देखो, फ्रैंक परेशान परेशान परेशान। मैं भी तो भीग गया था पूरा भारी, मम्मी ने उठाया एकदम आके, पानी आ गया पानी आ गया। अरे एकदम से गेट से आया सीधा यहीं, और जो गाड़ी जा रही है ना उससे थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है और अंदर आ रहा पानी। और एक बंद कार तो बंद पड़ी है बाहर, खड़ी बंद हो गई वो रोड पे। भाई लोगों बहुत ज्यादा पानी पानी हो गया, और जो अपने यहाँ के पार्षद जी वो भी आ रखे बाहर जायजा लेने, यहाँ का पानी जो आ रखा है। और मैं आपको सुबह दिखाऊंगा सुबह का क्या सीन हो रखा है। अभी तो नींद सोएंगे तो है नहीं, खैर अभी और सोए तो खोल दो ये दरवाजा पानी। हाँ तो चलो चलते हैं। रात को
और ये पानी पूरे 3 साल बाद आया अपने यहाँ, और ये देखो फ्रैंक को मैं नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, आएंगे अब क्या ही कर सकते हैं, हम भी पानी थोड़ी रोक सकते हैं। फ्रैंक को डर लग रहा है नीचे आते हुए, उसे डर लग रहा है वो कहीं डूब ना जाए बेचारा। छोड़ दो नीचे, रहने दे सो जाएगा वहीं। देख उसकी वो गीली हो जाएगी। नहीं मत कर, ये हमारे सौरव ब्लॉगर ये पानी निकालते हैं रात के 2 बजे। और यहाँ इसके दोनों डोंगे कटोरी, सुबह सुबह पूरा धोना पड़ेगा दबा के, सुबह सुबह पूरा। ये बहुत मिट्टी मट्टी मट्टी मिट्टी के साथ पानी, और ये भी परेशान होते हैं। और ये पूरे घर में पानी पानी, ये किचन के हालात देखो, ये देखो ये पूरे में किचन, ये थोड़ा पानी यहाँ से निकल रहा है और वॉश बेसिन के नीचे से थोड़ी जगह होती है, ये IMA की बाउंड्री टूटी होगी, पूरे नीचे वाले रूम में पानी पानी सब जगह। ये हालत देख लो यार, ये देखिए घर के अंदर कैसे पानी पानी हो रहा है। बहुत ज्यादा बारिश पड़ी ना 3-4 दिन, बहुत जाए सुना होगा आपने, सारा वहीं से ही सारा पानी, वहाँ की बाउंड्री टूटी, सभी लोगों के पूरे घरों में पानी आया। ये देखो हमारे घर में पानी कितना निकाल रहे, उतने ही ज्यादा पानी पानी होता रहा। देखो जरा कुछ जरा घर का इस तरह से हाल, ये पूजा का मंदिर सब बह गया, ये सारा सामान देखो। फाइनली पानी कम हो चुका है पूरा गायब, 3 बज गए हैं रात के, साफ करते करते सारा पानी चले गया वापसी, पर अंदर सारा गंदगी होगी अंदर ना, और अंदर सारा साफ करना पड़ेगा, सुबह करेंगे वो तो। और देख सकते हैं आप सारा पानी बह के चला चुका है, सारी रात खराब हो गई आज, बारिश का मौसम भी, हाँ मौसम भी खुल गया। देखो पानी जाने के बाद क्या हाल है, बाहर के बाउंड्री तो गिरी गई थी, सारा तहस नहस हो गया पानी के यहाँ जाने के बाद, और सारा पानी यहाँ से चले चुका है, जा चुका है। अब चाय जरूरी है, रात को भी चाय कुछ भी हो जाए चाय जरूरी है चाय। ये देखो ये चाय हाथ में और नीचे भी है, मेरे शुद्ध चाय है वो गंदी चाय चाय वाली नींद आ रही है गाइस, 3 गाइस चाय जरूरी है ना, चाय पीते हैं। तो चलो आपको मिलते हैं सुबह, अब डायरेक्ट सुबह के देखता हूँ सुबह का क्या सीन है, सुबह कैसा रहेगा सुबह का टाइम, और रात के 3 बज रहे हैं, और चलो सोता हूँ मैं, नींद आ रही है, और सभी नीचे भी काम कर रहे हैं, मैं भी बहुत देर से काम ही। मिलते हैं सीधा सुबह, देखते कब आँख खुलती है, 3 बजे सो रहे हैं, 9 बजे तो आँख खुलेगी, और सुबह देखते हैं क्या है। चलो सोता हूँ पहले मैं, और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, और देखो आप रात का और क्या हाल, तो और सुबह का क्या हाल है, ये तो हो गई चटक धूप, नीचे सब धो रहे हैं, और देखो रात को क्या तबाही मची थी। हाँ ये देखो ऐसे लग रहा कुछ हुआ ही नहीं रात को, पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बाउंड्री गिर गई ये देखो, और पीछे साइड एक घर गिर गया देखो, पूरा मट्टी मट्टी हो रखी है, और ऐसे लग रहा है तबाही मचा के चला गया सारा पानी, ये देखो तबाही के बाद मंजर। वो देख सकते हैं आप आधा स्टोर भी बह गया पूरा, दीवार गिर गई और ये सारी बाउंड्री गिर गई यहाँ की भी,
और अंकल चप्पल ढूंढ रहे अपनी सुबह सुबह, रात को भाई होगी रात को जो। तो वैसे आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ ऐसी वीडियो नहीं थी, ऐसी बना दी मैंने वीडियो ताकि ये यादें पड़ी रहे अपनी चैनल पर। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। आपको जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।